चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, क्या किया जाए? कुछ मैनेज किया जाए, इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाया जाए। ये तो साइन कॉस, साइन ऑफ कॉस एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ये साइन एक्स हो गया। तो ये कुछ फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी, अगर ये आपका जी एक्स है, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव है कि नहीं? नहीं होगा। देखिए ध्यान से, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, जबकि यहाँ सिर्फ साइन है, तो माइनस का तो कोई फर्क नहीं, कोई कांस्टेंट तो आप मैनेज कर ही सकते हो स्टेप में, है ना। तो माइनस हमने मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर लिया एक तरह से, बाहर अंदर या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सोच लीजिए। अब देखिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, कि अगर एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स है तो सिर्फ एफ का इंटीग्रल होता है, मतलब बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रल होता है, मतलब साइन का इंटीग्रल लिख दीजिए सिर्फ। और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, और अंदर जो भी है लिख दीजिए, अंदर तो खुद एक कॉस एक्स है, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया आपका कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।